अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए एक बहुत मज़ेदार और यम्मी सा टेस्ट लेकर आए हैं और ये है दाल का सूप। ये मैंने दो दालों से बनाया, मूंग की दाल और मसूर की दाल से। इसमें कुछ वेजिटेबल मैंने ऐड किए हैं, तो चलिए इसे अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें बटर ऐड किया और इसमें प्याज, लहसुन और गाजर, इनको 2 से 3 मिनट भूना और उसके बाद फिर मैं इसमें दाल ऐड करूंगी। ये मेरे पास मूंग और मसूर की 4-4 टेबलस्पून ये दाल है। इसे धोने के बाद ये भी साथ ऐड कर दूंगी और इसके साथ ही 1 अदद आलू और 1 टमाटर ऐड करने के बाद इसे 5 से 6 मिनट तक भून लेना है। इससे बटर के साथ जो इस पे एक लेयर बनती है दाल पे भूनने से, वो इसमें सूप में बहुत अच्छा टेस्ट देगी। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी, गाढ़ा या पतला ये आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, और इसे पकाने तक इसे मीडियम आंच पे ढक दें। जब ये गल जाए तो इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लें और मज़ीद 2 से 3 मिनट इसको पका के डिश आउट कर लें। इसको चपाती के साथ सर्व करें, राइस के साथ, या इसको ऐसे ही और ब्रेड के साथ, बहुत अच्छा मज़ा देती है। इसमें स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से ब्लैक या रेड मिर्च ऐड कर सकते हैं। चूँकि मैंने बच्चों के लिए बनाया, मैंने सिर्फ इसमें थोड़ा सा नमक डाला और उसके बाद इसमें ड्राई पुदीना जो होता है वो मैंने थोड़ा सा ऐड किया और उसके बाद इसको सर्व कर दें।